जैसी स्थिति में हमारी पार्टी क्या निकल जाएगी, और इस कारण से आप सब लोगों को हमने यहाँ आमंत्रित किया हो कि हमको ये बता दिया जाए, कम से कम हमारे आत्मा में ये ढांच बन जाए। इस कारण से पंचूलाल जी आपका टिकट काटा गया। गरीब आदमी में मजदूरी करने वाला आज मेरे साथ इस तरह से किया, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ लाल जी आपकी ये गलती है और इस गलती के कारण आपका टिकट काटा गया। और जिसको दिया गया आप समझिए, मैं 98 से चुनाव लड़ता था देवतलाव से, तो वो उस समय जो था बहुजन समाज पार्टी का एक प्रचारक और कैडर पढ़ाता था। फिर बहुजन समाज पार्टी से तब टिकट नहीं मिली तो वो अपना दल में आए, एक कुशवाहा जी थे वरिष्ठ नेता थे उनके साथ आए, और जब वो आए तो उनको भी टिकट नहीं मिला, अंतोगत्वा वो बेचारा ख़त्म हो गया। इन्होंने कांग्रेस पे आए, कांग्रेस में दादा स्वर्गीय दादा श्रीनिवास तिवारी जी के खेमे पे ये 3-4 साल रहे, अंतोगत्वा दादा भी टिकट नहीं दिला पाए और वो भी चले गए। फिर माननीय सुंदरलाल स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी जी के खेमे पे आए, ये उनके साथ काम करते रहे, उन फिर भी टिकट नहीं मिला, वो भी इस दुनिया से चले गए। अब ये छोड़ करके अभी अभी 4-5 महीने पहले हमारे माननीय गिरीश गौतम जी जो विधायक है, अब इस समय तो वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष जी हैं हमारे, उनके उन्होंने एक बताया कि एक पार्टी सदस्यता ली पट्टा पहना कर की उठी है, परंतु अभी आज तक भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में और जिला अध्यक्ष के माध्यम से कोई भी सदस्यता उनकी नहीं हुई। और ये भी शायद आप लोग पूछ सकते हैं हमारे अध्यक्ष जी से पार्टी के कि इनकी कब सदस्यता कराई, और आज वो व्यक्ति 4 दल बदल करके आया और आज इतना बड़ा महान हो गया जिसके कारण से टिकट दी गई। तो हम पार्टी के शीर्ष नेता, हम पार्टी का विरोध नहीं करना चाहते, ये कोई पार्टी का, मैं अपना ग्लान और दुख प्रकट करना चाहता हूँ ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी क्यों टिकट दे, और इस कारण से आप सब लोगों को हमने यहाँ आमंत्रित किया हो कि हमको ये बता दिया जाए, कम से कम हमारे आत्मा में ये ढांच बन जाए। इस कारण से पंचूलाल जी आपका टिकट काटा गया। कहा यह जाता था कि सर्वे रिपोर्ट आप लोग स्वतः मंगवा लें, एक एक सर्वे मंगवा लें। जहाँ अभी केंद्र के सर्वे आए थे, विधायक जी आए थे, वो त्रिपाठी वाजपेयी जी उनकी रिपोर्ट आप देख लें, जो हमारे संगठन के विस्तारक के लोग आए थे और यहाँ हमारे साथ इस तरह से, और एक गरीब आदमी में मजदूरी करने वाला व्यक्ति और आज मेरे साथ इस तरह से किया, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी इस दुकान को आप लोग आगे बढ़ाएं। और आज तक पार्टी के शीर्ष नेता इतना तक नहीं पूछे कि पंचूलाल जी आप क्या है, हो गया इस तरह से है, हो गया भाई, आज तक नहीं पूछे। तो मैं पत्रकार के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि ये कब का पार्टी का सदस्य है, और 4 दल बीत करके एक भगोड़े व्यक्ति को आपने टिकट दिया, कैसे दे दिए गए, और ये उनकी जमीन भी बेची गई, जो टिकट पाए हैं उनकी जमीन बेच करके और पैसे दे के लेन देन करके ये टिकट दिया गया। यही आप सब लोगों से मेरा आग्रह है कि मैं पार्टी का विरोध नहीं कर रहा, हम विरोध करने के लिए नहीं आए, मैं अपनी विपत्ति को बताने के लिए आए हैं कि पार्टी क्या करेगी। अभी मैं तो भारतीय ही जनता पार्टी में हूँ। अभी जो हमने फार्म लेने के लिए गए थे, हम एक फार्म माननीय हमारी श्रीमती पन्ना बाई के नाम से भारतीय जनता पार्टी के नाम से मैं पर्चा भरूंगा, और दूसरा पर्चा मैं एक निर्दलीय के नाम से, अगर मुझे न्याय न मिला तो मैं एक निर्दलीय के रूप में मैं मनगवा विधानसभा क्षेत्र से उतरूंगा और अपनी दुख विपत्ति को बताऊंगा जनता के सामने, जनता मेरा क्या आपत्ति है, कौन से ऐसे हमने काम किया है जिसके कारण से मेरा टिकट काटा गया, और मैं जनता के पास न्याय लेने के लिए जाऊंगा।
कि मुझे जनता जो भी सजा देना चाहे दे सकती। हाँ बिल्कुल उतरेंगे, अगर पार्टी इस पर विचार नहीं करती, हमारे शीर्ष नेता इस पर हमको संतोषी जवाब नहीं देते, तो मैं जरूर ये उतरूंगा। क्योंकि प्रत्याशी जब तक सैंबल नहीं आ जाता तब तक प्रत्याशी घोषित नहीं होते। बहुत सारे अभी आपने कांग्रेस में देखा होगा कि प्रत्याशी अखबार में देने के बाद कई लोगों का ये संशोधन कर रहे हैं। ऐसी भी पार्टी अगर शीर्ष नेता चाहे तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है जब तक कि सिंबल न आ जाए। एक पहले आपने जीती का नाम बैठे थे जब टिकट की घोषणा हो गई जी, पहले उस दिन सारे विधायक और विधानसभा अध्यक्ष बैठे थे, क्या कहा जा रहा था उस समय तक आपसे? मुझसे ये कहा जा रहा था कि पंचूलाल आप चिंता न करें, आपके घर में ही टिकट रहेगी। मान लीजिए अगर कोई ऐसा समीकरण पड़ा कि ये महिला को देना है तो आपकी श्रीमती जी को हम यहाँ से टिकट देंगे, नहीं तो निश्चित है कि आपका वो। देखिए हमारा कोई आज तक ये विरोध मनगमा के अंदर आप लोगों ने अगर सुना हो तो बता दीजिए। और जहाँ जहाँ जिन जिन विधानसभाओं में इतने विरोध होने के बाद और उनको टिकट दिया गया, और हमको प्रदेश अध्यक्ष जी से हमने निवेदन किया कि साहब इस बार मुझे भी अवसर फिर से दिया जाए, उनका कहना था कि पंचूलाल जी आपके पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, आपकी श्रीमती जी को दिया। और जी देखिए टिकट ये जब ये घोषणाएं हुई, पहले तो ये था कि आपको मिलेगा या तो आपकी पत्नी को मिला, परंतु जब हमने अखबारों में देखा तब से ये बात जारी हुई, नहीं तो इसमें प्रश्न ही नहीं था। आप कहते हैं जमीन बिकी और पैसा पटा, पैसा किसने दिया? जमीन आप जिनने कैंडिडेट ने ये अभी लड़ने के लिए तैयार है पता लगा लीजिए कि जमीन बेचे हैं अभी कि नहीं बेचे हैं, पार्टी ने टिकट खुद ही पता चल जाएगा। कितना पैसा दिया है जी? कितना टिकट मिला? कितना पैसा दिया? अब ये पैसा अब ये डायरेक्ट तो नहीं बता सकते इतना, परंतु वो खरीद फरोख्त करके ऐसा काम किया है। अंदाजा बताइए आप कितना दिया? आपका ये कहने का उद्देश्य है कि उन्होंने पैसे ही खरीद लिए टिकट? हाँ तो नहीं तो अगर न्याय है तो फिर कैसे ऐसा हो सकता? जी अभी मतलब अंदाजन ये कह रहे हैं, अंदाजन कहना ठीक नहीं है, परंतु इसमें जो है उन्होंने ऐसा काम किया। जी नहीं दिए थे हम, कभी नहीं दिए पैसा पार्टी को, और ना पार्टी में हमको पैसा लिया, हमारा षड्यंत्र पूर्वक। जी देखिए उनकी सदस्यता